नोकिया 110 के बारे में। ये फ़ोन 24 जुलाई को लॉन्च हो गया है और ये जियो फ़ोन नेक्स्ट को भी कड़ी टक्कर देने वाला है। वहीं अगर सबसे पहले अगर हम देखा जाए, अगर कीमत की बात करें तो कीमत 3,000 रुपये से भी कम रखी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। बात करें तो इसमें 1.8 इंच का QQBGA डिस्प्ले मिलता है। फ़ोन में डुअल नैनो सिम स्लॉट और माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ आता है। कंपनी ने इस फ़ोन में 1020mAh की बैटरी होने का दावा किया है। कंपनी का ये भी दावा है कि स्टैंड बाय में आप इसकी बैटरी 12 से 13 दिन तक चला सकते हैं। फ़ोन में 48MB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। हालांकि माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से आप इस स्टोरेज को और भी बढ़ा सकते हैं और आप इसको 32 GB तक ले जा सकते हैं। फ़ोन यूनी एसओसी T107 CPU और सीरीज 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है और इस फ़ोन में 128MB रैम दी गई है। वहीं कनेक्टिविटी में देखा जाए तो 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है और FM रेडियो जैसे आदि फीचर्स हैं। FM को आप वायरलेस और वायर के साथ दोनों मोड पर चला सकते हैं और आप लोग मनोरंजन के लिए इस फ़ोन में गेम का मज़ा भी ले सकते हैं। साथ ही ये फ़ोन इंटरनेट भी चला सकता है। 4G वोल्ट के साथ इस फ़ोन में HD वॉइस कॉलिंग का मज़ा भी उठा सकते हैं। कम दाम में अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।